बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया। तो इसके अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो ये क्या होता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, कि एक आपने एस और एक पी का ऑर्बिटल को मिक्स करना है, इस किस्म के हाइब्रिडाइजेशन को एसपी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन हम इसमें जो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वो इथाइन या एसिटाइलीन, भी जिसे आप बोलते हैं C2H2। इसमें भी कार्बन है, तो कार्बन की तीन स्टेट्स आपको ब्रीफली बताया हम पिछले दो लेक्चर में, 6, 6 और 6। पहली कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट। दूसरी कौन सी होगी, एक्साइटिक स्टेट होगी। और थर्ड वन हमारे पास हाइब्रिडाइज स्टेट होती है, यहाँ पे 1s 2s 2px 2py और 2pz। यहाँ पे भी 1s 2s में एक दफ़ा ड्रा कर लेता हूँ, 2px 2py और 2pz। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1s 2s 2px 2py और 2pz। इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं इनके अंदर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक्साइटिक स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में आ जाता है, तो यहाँ 2 ही रहेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे एक एक आ जाएंगे। मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p, ये मिक्स करेंगे, यहाँ 2। अब ये दोनों, सॉरी, ये अब 2s और 2px नहीं रहे, बल्कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैंने ख़त्म करके एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये दोनों अब क्या हो गए, sp हो गए। तो ये अब 2s या 2p नहीं रहे, बल्कि ये sp, एक एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक एक। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में से नहीं लिया sp में, देखें, एक 2py और एक 2pz है, तो ये आपके क्या होंगे, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, ड्रा कर लेते हैं हम इसका। तो एसिटाइलिन या इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रा करने यूँ होता है, यहाँ पे एक एक क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन्स आ जाएगी इस तरह, एसिटाइलिन का हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, और यहाँ पे एक एक क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी। इसी को हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, हर कार्बन के कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, 2। इसका एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये आ गया और इसका ये आ गया, इसका एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। एक एक ने तो क्या कर लिया, आपस में sp हाइब्रिडाइजेशन करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया, लेकिन हर कार्बन के 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स भी हैं, हर कार्बन के। मसलन ये इसका 2py है और ये 2py है, 2pz भी हैं इसके अंदर, तो इसका ये 2pz आ चुका और इसका ये 2pz। अब 2py क्या करेगा, 2py ये मैं लिख लेता हूँ, 2py, ये 2pz है और ये भी 2pz है। इन्होंने क्या किया, साइड में ओवरलैप किया इस तरह, यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। अब 2pz ने भी साइड में ओवरलैप किया, अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो भी हो सकती है अबव भी, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसका जो शेप होती है वो लीनियर होती है, ज्योमेट्री इसकी, और एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे। अच्छा, तो याद रखिएगा जब हमने अल्केन पढ़े तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड थे, कार्बन टू कार्बन, और अगर हम अल्कीन पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन टू कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और अल्काइन के अंदर हमारे पास 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ये आपने बातें याद रखनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन। हम इसके अंदर ब्रीफली इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। आई होप सो आपको sp हाइब्रिडाइजेशन समझ आ गई होगी। शुक्रिया।